Yes. So I welcome Dr. Jaya Singh from Jabalpur, and for the formal welcome and all the other formalities, I would like to call the organizing secretary of this lecture series, Dr. Atul Upadhyay sir. Over to you, sir, please. Yes. It is indeed our great privilege to have Dr. Jaya Singh, Women Scientist, ICAR, DWR, Jabalpur. Welcome, ma'am. I welcome you on behalf of GPGC Bajpur, on behalf of SRBS, on behalf of SS College Shahjahanpur, and on my own personal behalf. Now for a formal introduction of Dr. Jaya Singh to our audience, I would call upon Dr. Nirupama Dalakoti, reporter of the session. Over to you, ma'am. Thank you so much, sir. Good morning, everyone. I welcome you all in today's session of invited lecture series on Biological Science 2020. I am pleased to introduce our eminent speaker of the day, Dr. Jaya Singh, Woman Scientist, ICAR, DWR, Maharajapur, Jabalpur, MP. Dr. Jaya Singh is PhD from Rani Durgavati Vishwavidyalaya, Jabalpur, and has worked on applied mycology. Dr. Singh has worked on UGC postdoctorate as Woman Scientist and also taught in Rani Durgavati Vishwavidyalaya, Jabalpur, for few years. Dr. Jaya Singh has long research experience and has published 49 research papers in various reputed national and international journals. Dr. Singh has published one book titled Eco-Friendly Management of Parthenium and also published 4 chapters. Dr. Jaya Singh has won 4 national awards in the field of research area. Now I request ma'am to deliver her lecture. Over to you, ma'am, please. Welcome, ma'am. Thank you very much for wonderful introduction for me. Can I start my presentation? Sure, ma'am. Okay. Good morning, all of you. सभी जो भी participants हैं link से जुड़े हुए हैं उन सबको मेरी तरफ से नमस्कार और उम्मीद करती हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे, सेफ होंगे और गवर्नमेंट के रूल्स का पालन करते हुए अपने दिनचर्या का और काम में जा रहे होंगे. प्रेजेंट जो वर्तमान स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए मेरा जो आज का टॉपिक है वो काफ़ी रिलेवेंट है इस चीज़ों से. जैसे कि अभी चल रहा है अपना कोरोना कॉल और इसमें बोला गया है कि अपना जो चल रहा है इंडिया का कि सेल्फ रिलायंट इंडिया पे हमको अपना काम करना है, कोई भी हम इस तरह का इस पर बात करें तो जो मशरूम है वो टोटली रिलेवेंट है इस चीज़ पे कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स जो है इस समय दो प्रॉब्लम चल रही हैं. एक तो एम्प्लॉयमेंट की, जो ऑलरेडी जॉब में थे वो अपने बिकॉज ऑफ कोरोना या COVID-19 वो अपने घरों पे लौट के आए हैं तो उनके सामने जॉब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है. जो हैं भी तो उनकी सैलरीज डिडक्ट की जा रही है कोई 30%, 33% इस तरह से. माइग्रेंट लेबर्स हैं जिनके सामने एक ह्यूज हमारे पास मैन पावर है जो कि खाली हो गया है और उनके पास अभी काम नहीं है. मशरूम कल्टीवेशन एक ऐसी टेक्निक है जो हम इन अपना के या फिर उनके बीच उनको सिखा के हम समाज में एक इनकम ऑफ सोर्स का एक तरीका उत्पन्न कर सकते हैं. तो सेल्फ रिलायंट इंडिया में हम अपना योगदान यदि दे सकते हैं तो उसमें से एक जो है वो है मशरूम कल्टीवेशन. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम के साथ साथ जैसे कि ये कहा जा रहा है कि यदि आपको कोरोना के इन्फेक्शन से बचना है या इस समय आपको ये जो किसी तरह की कोई मेडिसिन नहीं है और आपको वर्किंग भी है तो आपको किस तरह से इससे बचा जा सकता है तो उसका एक बहुत अच्छा है कि आप अपनी इम्यूनिटी को डेवलप कर लें. इम्यूनिटी इस तरह के नेचुरल जो चीज़ें हैं जैसे मशरूम, इनको उपयोग करके, इनको हम अपने रूटीन डाइट में इंक्लूड करके हम इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में इसको अपना सकते हैं. बेसिकली माल न्यूट्रिशन जो कि इम्यूनिटी की वीकनेस के कारण जो है होता है उसका एक नेचुरल रेमेडी है. तो इस तरह से मशरूम जो मशरूम है और उसके जो बीज बनाने की मशरूम कल्टीवेशन कर सकते हैं
हम इसको एक इम्यून बूस्टर के रूप में अपना सकते हैं। इसके सीड्स, चूंकि सीड्स भी बायोलॉजिकल टेक्निक से बनते हैं टिश्यू कल्चर से, तो स्पॉन प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो इस तरह से मशरूम से एक मल्टी टास्किंग चीज़ें निकल के हम सोसाइटी में ला सकते हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं और इसको हम समाज में इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इम्यूनिटी बूस्टर की हम बात कर रहे हैं, वर्तमान समय में इस बोला जा रहा है कि आप कुछ ऐसा खाएं जिससे आपका इम्यूनिटी डेवलप हो, तो हमें ये जानना जरूरी है कि इम्यूनिटी और न्यूट्रिशन इनका कोरिलेशन क्या है। तो जो भी हम खाना खाते हैं, जरूरी नहीं वो कि हर खाने में न्यूट्रिशन हो, वो खाना जब हम अपनी बॉडी में इंटेक करते हैं तो बाय कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस जो न्यूट्रिशनल न्यूट्रिशन हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। जो भी चीज़ हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है वो न्यूट्रिशन कहलाती है। ये डिपेंड करता है कि फूड में न्यूट्रिशनल वैल्यूज कितनी है। कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा उसको इंटेक करने के बाद न्यूट्रिशनल वैल्यूज कम होती है, कुछ में कम ही अमाउंट में यदि हम लेते हैं तो न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत अच्छी होती है। तो इस तरह से जो न्यूट्रिशन है वो पूरा के पूरा एक तरह से बेस्ड, जैसे हमारी बॉडी में जो बेस होता है वो सेल होता है ना, और उसी के फिर जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होती हैं वो टिश्यूज बनाती है, मसल्स बनाती है। इसी तरह से जो न्यूट्रिशन है हमारा वो फूड्स से हम लेते हैं। न्यूट्रिशंस जो है, न्यूट्रिएंट्स जो उसमें जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जैसे प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन विटामिन मिनरल्स, ये हम स्लाइड में देख रहे हैं। इन मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जो हमारे फिजियोलॉजिकल स्टेटस के बेस पे इनकी नीड्स अलग अलग होती है, जैसे कि सिटिंग जो जॉब करते हैं उनके लिए प्रोटीन्स की नीड्स अलग होती है, उनकी एनर्जी लेवल अलग होता है, जो फिजिकल लेबर वर्क करते हैं उनकी अलग होता है, प्रेग्नेंट वुमेन वे बच्चे इन सब इनके फिजियोलॉजिकल स्टेटस एज ऑक्यूपेशन इसके बेस पे इन चीज़ों की नीड्स अलग अलग होती है। अब जब ये एनर्जी और प्रोटीन की डिसबैलेंसी हो जाती है, मतलब कि डेफिशिएंसी होती है, तो इनकी डेफिशिएंसी के साथ साथ क्या होता है कि हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, जिसके कारण माल न्यूट्रिशन के साथ साथ एसोसिएटेड इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं, लाइक टीबी वगैरह। तो ये बच्चों में होने वाली बहुत कॉमन बीमारी है और मध्य प्रदेश में तो इस तरह की ये समस्याओं के कारण बहुत सारी स्कीम्स, आंगनबाड़ी है, मिड डे मील है, ये सब शुरू किया गया, लेकिन आज की स्थिति में भी माल न्यूट्रिशन को हम कंट्रोल नहीं कर पाए। तो आप सोच सकते हैं कि जो बच्चा माल न्यूट्रिएंट है वो बड़ा होकर भी उसमें वीकनेस होगी और आज के युग में वो कैसे सरवाइव करेगा। आज तो कोरोना चल रहा है जिसमें कि हमारा वही लोग सरवाइव कर सकते हैं या वही लोग नॉन इन्फेक्टेड रह सकते हैं जिनकी इम्यूनिटी अच्छी हो, क्योंकि किसी तरह की कोई दवा वैक्सीन्स वगैरह नहीं है और मेडिकल फैसिलिटीज़ का तो आप हाल देख ही रहे हैं। तो हमें कोशिश करना है कि जो हमारी इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग रहे। इस तरह की प्रॉब्लम ये न्यूज़पेपर कटिंग्स में हम देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री भी इस चीज़ को फोकस कर रहे हैं। तो हमें यदि इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ें भी खाते हैं, ऐसा नहीं है, फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, जिनमें कहा जाता है कि इस तरह के न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स हैं, बट फिर भी आज ये स्थिति है तो उसका कारण क्या है। तो ये जो न्यूट्रिशनल फूड सप्लाई है हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड में, वो हमारे लिए एक चैलेंज बन गया है कि किस तरह से हम जो है, तो इसका एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है मशरूम, जिसको कि हम अपने बीच में हम अपने डेली रूटीन में हम इसको एक्सेप्ट करें अपने फूड डाइट में, तो एक गुड सोर्स है और नेचुरल रेमेडी है ये माल न्यूट्रिशन की और दूसरी प्रॉब्लम्स की। मशरूम जो है बहुत पुराने समय से हमारे बीच में रहा है, लेकिन इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत कम हुई है, लेकिन आज के लोग इसको जान रहे हैं। तो यदि हम किसी भी तरह से मशरूम का बिजनेस करना चाहते हैं या उससे रिलेवेंट कुछ भी बाय प्रोडक्ट्स का कुछ करना चाहते हैं, तो हमें पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए। तो मशरूम को मैं बता दूं कि बहुत सारी मिथ्याएं जुड़ी हैं, कुछ लोग इसको नॉन वेजिटेरियन से रिलेवेंस करते हैं, इनको रिलेट करते हैं, कुछ लोग इसको बोलते हैं कि नहीं ये खाने वाली चीज़ नहीं है इस तरह से। तो मैं बता दूं कि ये क्लोरोफिलस प्लांट है, जिसको कि लोअर प्लांट के अंतर्गत का रखा गया है और हायर फंजाई है माइकोटा ग्रुप का है।
जैसे कि ये माइक्रो फूड है, लाइक दही, लाइक ईस्ट जिससे ब्रेड बनती है, इसी तरह से ये माइक्रो फूड है। और ये माइक्रो फूड जो होता है इसमें बहुत ही स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसका जो फ्लोटिंग बॉडी है वो जो जब फ्रूट्स निकलते हैं उस समय इसको मशरूम बोला जाता है, अदरवाइज इसके माइसिलियर कंडीशन में इसको फंजाई कहा जाता है। ऑल ओवर वर्ल्ड में अराउंड 2000 स्पीशीज जो है मशरूम की प्रिमिटिव ट्राइब्स मतलब पुराने जमाने से उसको फ्रूट के रूप में लेती आई हैं और ये रिकॉर्ड है और ये पूरे वर्ल्ड में पाया जाता है। इनमें से चूंकि ये नेचुरल कंडीशन में होने वाली फंजाई है, मशरूम जो है नेचुरली फॉरेस्ट एरियाज में ही उगते हैं क्योंकि ये सेप्रोफिटिक नेचर के होते हैं। एक्चुअली ये डेड टिकिंग मटेरियल से ही अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, अक्लोरोफुलस मैंने इसको बताया ही है, तो अपना न्यूट्रिशन ये सेप्रोफिटिक नेचर से लेते हैं। इनमें से कुछ ही स्पीशीज हैं जिनको हम आर्टिफिशियली उगा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कल्टिवेशन। और इसका प्रोटोकॉल अंडर द सुपरविजन ऑफ साइंटिस्ट बनाया है। उनमें से जो मेनली हमारे इंडिया में कल्टिवेट करते हैं हम लेबोरेटरी कंडीशंस में या फील्ड कंडीशंस में, दैट इज कॉल्ड ऑयस्टर बटन पेडिस्ट्रा मशरूम। ये मशरूम खाने वाले हैं और इनको कॉमनली हमारे इंडिया में उगाया जाता है, कल्टिवेट किया जाता है, इनका प्रोटोकॉल डेवलप है। बहुत पुराने समय से इसकी ओरिजिन है, जब मनुष्य भी नहीं था उस समय ऐसा कहते हैं कि मशरूम था यहाँ पर। इसकी उत्पत्ति 550 मिलियन डिवोनियन पीरियड जिसको कहते हैं उस समय रिकॉर्ड की गई है। मशरूम जो है एक तरह से इको फ्रेंडली है, वो इसलिए क्योंकि ये डेड डिकोइंग मटीरियल्स पे उगता है तो उनका डिकम्पोजिशन, ऑर्गेनिक मैटर्स का डिकम्पोजिशन करता है। हम जानते हैं कि हमारी जो इंडिया है वो एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, तो हर साल ह्यूज अमाउंट में एग्रो वेस्ट निकलते हैं। ये एग्रो वेस्ट जो है पॉल्यूशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। मशरूम कल्टिवेशन के द्वारा हम ये ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन, मशरूम जो होता है कल्टिवेशन के ड्यूरेशन में इन ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन करता है। इस तरह से जो मिनरल्स और एलिमेंट्स हैं उनकी रिसाइकलिंग होती है, तो ये एक बहुत ही अच्छा इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है। इम्यून बूस्टर के रूप में हम इसको अपनाते हैं, ये आज के युग में बेस्ट इम्यून बूस्टर है क्योंकि इसमें बहुत सारे बायो कंपाउंड्स होते हैं जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। डाइट्री रूप में ये रिकमेंडेड है। स्टूडेंट्स के लिए मैं बताना चाहूंगी कि मशरूम जो है एक वास्ट सब्जेक्ट है। मशरूम साइंस जो टैक्सोनॉमिकल स्टडीज की जाती है, इनमें डिफरेंट टाइप्स के अभी 2000 स्पीशीज एडेबल है। आप इमेजिन नहीं करेंगे कि बहुत ही अलग अलग प्रकार के मशरूम्स मिलते हैं, उनकी स्टडी की जाती है ऑल ओवर वर्ल्ड में। मशरूम बायोटेक्नोलॉजी है जिसमें इसके बायो प्रोडक्ट्स पे काम किया जाता है। इनकी कैंसर जैसी बीमारी के लिए मशरूम्स की से दवा बनी हुई है। मशरूम माइक्रोरिस्टोरेशन में हम इसका अन्य जो उपयोग होते हैं इंडस्ट्रियल लेवल के जो यूजेस हैं उस पर स्टडी की जाती है। इस तरह से हम हर ब्रांच में भी उसके अंदर भी मतलब ये एक तरह का रिसर्च टॉपिक है जिसमें कि वास्ट और बहुत ही मल्टीटास्किंग सब्जेक्ट्स टॉपिक्स निकलते हैं जिसके ऊपर रिसर्च आज भी हो रही है और इनके प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। क्लासिफिकेशन देखेंगे कि बेसिकली बेसिडियोमाइसिटीज फैमिली का होता है, फंजाई है और ये जो है पॉलीपोरेसी और एगेरिकेल्स, इस तरह की क्लासिफिकेशन होता है अलग अलग मशरूम्स का, तो ये इसका साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है। मशरूम हमारे जो होता है एटमॉस्फेयर में हमेशा प्रेजेंट रहता है, लेकिन जैसे ही इसको फेवरेबल और सुटेबल कंडीशंस मिलती है, फेवरेबल कंडीशन के मतलब होता है कि 25 से 28 डिग्री टेम्परेचर, 85 to 95% ह्यूमिडिटी, इस तरह की कंडीशन मिलती है तो ये उगने लगता है। तो जनरली हम देखते हैं बारिश के समय हमें ट्रीज में या फॉरेस्ट एरियाज में या रोड साइड्स में जहाँ ग्रीनरी अधिक होती है वहाँ मशरूम देखने को मिलता है, क्योंकि इस समय इनका
फेवरेबल कंडीशन चलती है तो इनकी फ्रूटिंग निकलती है। अदरवाइज ये माइसिलियल फॉर्म में जो रूट ट्रीज के रूट्स हैं वहाँ पर ये अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ के रूप में पड़ा रहता है और जैसे ही इसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है ये एक फ्रूटिंग शो करता है और यही इसकी लाइफ साइकिल को हम अपना के इससे एक प्रोटोकॉल बनता है और फिर हम लेबोरेटरी कंडीशन में या फील्ड कंडीशन में इसको कल्टिवेट आर्टिफिशियली इसको कल्टिवेट करते हैं। मशरूम की मॉर्फोलॉजी को मैं बताना चाहूंगी कि मशरूम की मॉर्फोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है हमें आइडेंटिफाई डिफ्रेंशिएट करने के लिए बिटवीन पॉइजनस मशरूम एंड एडेबल मशरूम। मशरूम जो होता है वो फाइव स्टेप्स में उसके फाइव पार्ट्स होते हैं कैप गिल्स लेमिना जिसको बोलते हैं वैली स्टाइप्स और वॉल्वा ये पांच इसके मेन कैरेक्टर्स होते हैं। इनमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं से लेमिना और ये वॉल्वा इसको बहुत जगह पे नहीं खाया जाता है और बहुत जगह पे इसकी मिथ्याएं होती है कि ये बहुत पॉइजनस होता है। तो मशरूम के बारे में हम ये बताना चाहेंगे कि कभी इस तरह की कंडीशंस हो आपके सामने आप फॉरेस्ट एरियाज में हो और आपको डिफ्रेंशिएट करना हो कि कौन से मशरूम पॉइजनस हैं कौन से नॉन पॉइजनस तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जिसके बेस में आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे कि मशरूम जो होते हैं ना जो बहुत लाइट बहुत ब्राइट कलर्स के होते हैं बड़े अट्रैक्टिव होते हैं लाइक एमरिटा ये रेड कलर का येलो कलर का आप देख रहे हैं ये जो मशरूम्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होते हैं खाने वाले बिल्कुल नहीं होते और ये इनका स्ट्रक्चर ही इस तरह से बनाया हुआ है कि अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं फॉरेस्ट एरियाज में रहते हैं। जब हम मशरूम किसी तरह के मशरूम यदि वाइट मशरूम भी है और हम उसको तोड़ रहे हैं और तोड़ने के बाद वो येलोइश हो जाता है या अपना कलर चेंज कर देता है जब हम उसको साफ ऑफ करते हैं ब्रशिंग आफ्टर ब्रशिंग कटिंग तो इस तरह के मशरूम जो होते हैं ना ऑलवेज पॉइजनस होते हैं। इसी तरह से जब हम मशरूम को तोड़ के रख देते हैं और उनका फ्लैश उनका चेंज हो जाता है या एक्सक्रीशन निकलता है तोड़ने की जगह पे तो इस तरह के मशरूम को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए पॉइजनस मशरूम के माने जाते हैं। मेन जो कैरेक्टर है ये सारी चीज़ें होने के बाद भी यदि किसी मशरूम में वॉल्वा और एनुलस वॉल्वा मतलब कि जो एक स्टॉक के ऊपर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है एनुलस मतलब कि जो रूट होती है ना उस समय एक कैप टाइप का स्ट्रक्चर होता है ये दोनों वॉल्वा और एनुलस एट अ टाइम दो किसी एक मशरूम में नहीं मिलते यदि मिल रहे हैं दैट मीन्स कि वो पॉइजनस मशरूम है पॉइजनस मशरूम की टैक्सोनॉमिकली आइडेंटिफाइड कैरेक्टर है मतलब मैंने बताया था ना कि मॉर्फोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफाई करने के लिए कि पॉइजनस हो रही है उसमें ये काम आता है तो जो बॉटनिस्ट हैं वो पहचान सकते हैं। और दूसरा ये कि इस मशरूम के जो स्पोर्स होते हैं जब लाइट अपन देते हैं तो स्पोर्स फॉल होते हैं स्पोर्स यदि ग्रीन येलोइश ग्रीन कलर के होते हैं या डार्क कलर के होते हैं तो वो हमेशा मशरूम जो होता है ना पॉइजनस होता है खाने वाले मशरूम के स्पोर्स जो होते हैं स्पोर प्रिंट जो होते हैं वो वाइट होते हैं। जैसे कि हम कह रहे हैं कि मशरूम को खाना चाहिए पर हमें हम क्यों खाना चाहिए हमारे पास इतने सारे खाने की चीज़ें हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मशरूम में कुछ इतने मिराकल्स चीज़ें हैं न्यूट्रिटिव मेडिसिनल जो किसी चीज़ में नहीं होता तो इस तरह के ये मिराकल और ये जादुई चीज़ जो है इसकी जो हम क्वालिटी जानेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति इसको खाने से परहेज करेगा क्योंकि आज के समय में हमारे पास इतनी ऑर्गेनिक वेजिटेबल या ऑर्गेनिक खाने वाली चीज़ कुछ भी नहीं है जिसमें कि इतने सारे गुण सबसे पहली बात तो मशरूम का जो प्रोटीन है वो बहुत ही सुपीरियर है वेजिटेबल प्रोटीन से मच सुपीरियर प्रोटीन स्ट्रक्चर इसका बहुत अच्छा जिसे कहते हैं ना कि जैसे कि एक अच्छी प्रोटीन किसको कहते हैं तो उसमें एक चिकन का चिकन या नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए वो एक बेस्ट प्रोटीन सोर्स होता है बट वेजिटेरियंस के लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं है वेजिटेरियंस के लिए इसको वेजिटेरियन चिकन कहा जाता है क्योंकि इसका प्रोटीन स्ट्रक्चर रिजेंबल करता है चिकन प्रोटीन स्ट्रक्चर से क्योंकि इसमें B12 होता है तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो मशरूम का प्रोटीन है बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी का होता है इसलिए ये बहुत अच्छा माना जाता है खाने के रूप में क्योंकि इसमें कैलोरीज बिल्कुल लो होती है फैट एकदम कम होता है
हाई प्रोटीन होता है, इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स के लिए एक चमत्कारिक दवा के रूप में इसको रिकमेंड किया गया है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए खाने की बहुत कम चीजें बच जाती हैं। उनसे बोला जाता है चावल नहीं खाओ, आलू नहीं खाओ, बहुत सारी चीजें रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। उस कंडीशन में उनको जो है प्रोटीन भी चाहिए है, तो ऐसी कंडीशंस में जो है मशरूम बहुत अच्छी चीज मानी जाती है, क्योंकि इसमें कैलोरीज भी कम होती है, फैट भी नहीं होता, प्रोटीन जो उनको चाहिए वो हाई प्रोटीन होता है और सुपीरियर क्वालिटी का प्रोटीन होता है। तो डायबिटिक पेशेंट के लिए तो ये बहुत रिकमेंडेबल है। हम जो खाते हैं डेली रूटीन हमारी जो एक कॉमन पीपल की होती है वो दाल चावल सब्जी रोटी होती है, इंडियन डाइट जिसको कहते हैं। बट आपको पता है कि इसमें जो दो अमाइनो एसिड होते हैं लाइसिन और ट्रिप्टोफैन टोटली एब्सेंट होते हैं। ये जो हम खाते हैं ना सीरल्स, उसमें बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि हमारी थाली का 75% तो सीरल है, दाल चावल गेहूं से बनी हुई रोटी, 25% सब्जी है। तो लाइसिन और ट्रिप्टोफैन सीरल्स में होते ही नहीं है, जो कि हमारी बॉडी के लिए चाहिए, और ये बहुत अच्छी अमाउंट में मिलता है मशरूम्स में। फोलिक एसिड, विटामिन B12 किसी भी वेजिटेबल्स में नहीं होता, बहुत कम वेजिटेबल्स में होता है, जिसको हम रेयरली खाते हैं, बट मशरूम में बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। B12 तो कहा जाता है कि सिर्फ नॉन वेजिटेरियंस में मिलता है। तो मशरूम जो हमारे बीच में एक ऐसा वेजिटेबल है जिसमें कि B12 बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है, फोलिक एसिड बहुत अच्छा होता है। एक रिकमेंडेशन के अनुसार हमें हमारी बॉडी के लिए विटामिन B12 की 1 माइक्रोग्राम जो अमाउंट है वो हमारी बॉडी में बहुत इसेंशियल है, जाना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला कि जब हमारा एक डेली फूड सप्लीमेंट में किसी चीज़ की कमी रेगुलरली होती जाएगी तो वो बीमारी के रूप में हमारे सामने आती है। एक संतुलित आहार हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक रिकमेंडेशन के अनुसार हमारे शरीर के लिए विटामिन B12 की 1 माइक्रोग्राम मात्रा सप्लीमेंट बहुत आवश्यक है। यदि हम 3 ग्राम मशरूम, ये थोड़ा सा छोटा सा भी पीस यदि हम खाते हैं तो वो हम उस सप्लीमेंट को पूरा कर सकते हैं। डाइजेस्टिबिलिटी बहुत अच्छी है, प्रोटीन के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि डाइजेस्टिबिलिटी नहीं अच्छी होती है, जिसके कारण लोगों को सूट नहीं करता, लाइक सोयाबीन प्रोटीन, चना प्रोटीन, लेकिन इसकी डाइजेस्टिबिलिटी 71% to 90% है, जो कि बहुत अच्छी मानी जाती है। स्टार्च एब्सेंट। तो इस तरह से कोई यदि आप लोगों को कहता है कि मशरूम खाने से मोटे या दुबले होते हैं तो वो बिल्कुल फेक है, इस तरह का कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपने देखा कि मशरूम में क्या होता क्या नहीं होता, फैट होता ही नहीं है, तो कोई व्यक्ति कैसे मोटा हो सकता है? उसमें सप्लीमेंट में कुछ इस तरह का मिलाया जाता है कि वो मोटा हो जाता है। तो इस तरह से मशरूम एक आइडियल फूड आइटम है जिसको कि हम ले सकते हैं। आपने देखा ये हर चीज में काम होता है। मेडिसिनल वैल्यू क्या है? मशरूम से मेडिसिन भी बनती है। डीएक्सन कंपनी जो कि चाइना की कंपनी है, उसने कैंसर से लेकर कैंसर तक की दवा इस पर बनाई हुई है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? मशरूम बहुत, मैंने बताया इसमें फोलिक एसिड बहुत अच्छा होता है, जिसके कारण ये जो एनीमिया होता है, जो सीवियर एनीमिया, उसके लिए बहुत ही अच्छी दवा है। जो गर्ल्स होती हैं, लेडीज होती हैं, वो जनरली इस तरह के एनीमिक कंडीशंस को फेस करती हैं, उनके लिए मशरूम जो है बहुत अच्छी चीज़ होती है। पॉलीसेक्राइड इसका बहुत अच्छा होता है, उसमें एंटी ट्यूमर एक्टिविटीज़ होती है, जिसके कारण ये कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ सकता है। यही कारण है कि इसमें एंटी मलेरियल, एंटी फंगल और एंटी वायरल प्रिंसिपल्स होते हैं। तो ये पूरा इम्यूनिटी को कोरिलेट करता है। यदि हम मशरूम खाते हैं तो हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग रहेगी कि हमको इस तरह से वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस नहीं होंगे। मेन चीज ये क्या है कि इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, उसकी जगह जो हार्ट पेशेंट्स है, जो कोलेस्ट्रॉल खराब कोलेस्ट्रॉल होता है वो बिल्कुल नहीं होता, जो हार्ट पेशेंट्स के लिए हार्मफुल होता है। जबकि इसकी जगह पे एक एग्रोस्ट्रॉल नाम का बायो कंपाउंड होता है। ये एग्रोस्ट्रॉल जब हम खाते हैं, मशरूम खाते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर जाके विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। विटामिन डी का सोर्सेस आप जानते हैं, सन रेज के अलावा कुछ नहीं। इडेबल रूप में यदि विटामिन डी हम देखते हैं तो मेडिसिन के अलावा हमें कोई सप्लीमेंट नहीं मिलता, मिल्क में भी बहुत कम मिलता है। मशरूम में ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि इसमें पाया जाने वाला एग्रोस्ट्रॉल हमारी बॉडी में जाके कन्वर्ट होता है विटामिन डी में। ये एक स्पेशल स्पेसिफिक कैरेक्टर है मशरूम का, जो कि आपको किसी चीज में नहीं मिलेगा।
एक डेफिनेट रेशियो अमाउंट में, एक सुटेबल रेशियो अमाउंट में सोडियम और पोटेशियम का होता है, जिसके कारण ये हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां जो हमारे बीच में बहुत कॉमन हो गई हैं वो कंट्रोल रहती हैं। फाइबर कंटेंट अच्छा होता है, जिसके कारण ये कॉन्स्टिपेशन जो ओल्ड एज के लोग होते हैं या कई लोगों में जेनेटिकली होता है, हेरिडिटरी होता है, ये उसमें बहुत ही फायदेमंद है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कॉमन बीमारियां जो हमारी समाज में इस समय बिल्कुल कॉमन हो चुकी हैं, यदि इस मशरूम को हम खाते रहते हैं वंस या ट्वाइस इन अ वीक, हम डेली लेते रहते हैं, तो हमारा सप्लीमेंट जो रिक्वायर्ड सप्लीमेंट है एलिमेंट्स का वो पूरा होता है और इस तरह की बीमारियों से हम बचते हैं, या बीमारी भी है तो काफी कुछ हमें राहत मिलती है। ये एक रिसर्च डाटा है जिसके बेस पे हमने जो हम खाते हैं डिफरेंट चीज़ों से, हमने प्रोटीन का देखा है, तो हम देखते हैं सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो है मशरूम में मिलता है और बेस्ट प्रोटीन मिलता है। मशरूम जो है कल्टीवेशन, मशरूम कल्टीवेशन साइंस और आर्ट्स का कॉम्बिनेशन है। जब तक हम इसके बीज या स्पॉन स्थिति में रहते हैं या माइसिलियन टिश्यू कल्चर के फेस में रहते हैं, वो उसके लिए लेबोरेटरी की आवश्यकता होती है, साइंस की आवश्यकता होती है, लेकिन जहां हम कल्टीवेशन पर जाते हैं तो जस्ट लाइक अ फार्मर इसको लेमैन भी कर सकता है और हर तरह के व्यक्ति कर सकते हैं। तो इस तरह से मशरूम को सिर्फ साइंटिफिक मशरूम कल्टीवेशन को हम ये कह के नहीं अपनाए कि भाई ये तो साइंस का ब्रांच, ऐसा नहीं है, मशरूम दोनों ही चीज का कॉम्बिनेशन पार्ट है। मशरूम कल्टीवेशन यदि हम करते हैं तो हम देश की सेवा कर रहे हैं, ये बहुत अतिशयोक्ति जैसा स्लोगन नहीं होगा, क्योंकि यदि हम मशरूम कल्टीवेशन कर रहे हैं तो एक तो हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जनरेट कर रहे हैं, जो कि हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस समय की। सेल्फ रिलायंट इंडिया को यदि हम सपोर्ट कर सकते हैं तो मशरूम कल्टीवेशन जैसी टेक्निक्स को अपना कर रिसाइक्लिंग को एडवोकेट करते हैं, क्योंकि खत्म होने वाला है बस आपका। हेलो मैम, ओनली 4 to 5 मिनट्स लेफ्ट। ओके 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 सर। रिसाइक्लिंग ऑफ एग्रो वेस्ट करते हैं, हमारे देश में डेली हमारे देश में इतना एग्रो वेस्ट पड़ा हुआ है, इतना एग्रो वेस्ट वेस्ट होता है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता है, उसको हम उपयोग में ला रहे हैं, माल न्यूट्रिशन का सॉल्यूशन बन रहे हैं और ये जो है विदेशों में बहुत पॉपुलर है, तो इसलिए हम उसको लार्ज स्केल पे फॉरेन एक्सचेंज में भी गेन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कोई भी टेक्नोलॉजी इतनी फ्रूटफुल नहीं होगी जितनी कि मशरूम कल्टीवेशन है। इस तरह से समय की अभाव को देखते हुए मैं कल्टीवेशन और स्पॉन प्रोडक्शन पे मैंने कुछ स्लाइड सुनाई थी। एक पूरी मेथड होती है जिसको आप प्रॉपर जो है ट्रेनिंग लेके शुरू कर सकते हैं और ये सबके लिए यूजफुल है, हाउसवाइफ्स, रिटायर्ड पर्सन और जो वर्किंग मैंस हैं या वुमेन्स हैं जो अपने साइड में बिजनेस करना चाहते हैं वो साइड में लगा सकते हैं, या फुल टाइम एक ग्रुप में काम करने वाले। हेलो जय मैम। यस मैं सुनीता वर्मा बोल रही हूँ कानपुर से। मैम आपसे ये पूछना है कि जैसे गांव में रूरल एरिया में अगर कोई ये मशरूम कल्टीवेशन करना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या प्रीरिक्विजिट है? सबसे पहले तो जो भी मशरूम कल्टीवेशन करना चाहता है उसको एक प्रॉपर ट्रेनिंग लेना चाहिए, क्योंकि एक ये एक हम लोअर ऑर्गेनिज्म ट्रेनिंग का सेंटर ट्रेनिंग मैम ट्रेनिंग सेंटर कहाँ से लेना चाहिए? रूरल एरिया में सेंटर रूरल एरियाज में, तो उसमें से किस कोई भी एक जो हम लोग जैसे मेन उद्देश्य रूरल एरियाज में लोगों को कोई एक सुपर जो उनका सरपंच है या कोई एक उनका कैंडिडेट आके, और हर शहर में एक दो लेबोरेटरीज होती हैं, जैसे हमारे जबलपुर में तो हम लोग ही ट्रेनिंग देते हैं, केवीकेस होते हैं, एग्रीकल्चर कॉलेजेस होते हैं, वहाँ इसकी ट्रेनिंग दी जाती है और फिर वो व्यक्ति जो है वहाँ जाके हर वैसे जो भी रूरल एरियाज हैं सब केवीकेस से जुड़े हुए हैं और उन लोगों का ये मैंडेट है, एक ऑब्जेक्टिव है कि वो रूरल एरियाज में इनको अवेयर करें, तो वो लिंक्ड होते हैं, कर सकते हैं। ओके थैंक यू मैम। आफ्टर ट्रेनिंग इजी है क्योंकि उनके पास गाँव में जगह भी होती है, दूसरा भूसा वगैरह भी होता है, बस एक ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। सीड वो लेबोरेटरी से ले सकते हैं, एग्रीकल्चर से ले सकते हैं, इंस्टीट्यूट से ले सकते हैं। मैम काउ डंग पे भी तो होता है मशरूम कल्टीवेशन आजकल, होता है गवर्नमेंट भी होता है हर जगह, एग्रीकल्चर कॉलेजेस तो हर जगह होते हैं, केवीके सेंटर हर गाँव में हर जिले में होते हैं जिससे सारे विलेजेस रिलेट रहते हैं, तो ये होता है सब जगह होता है, बस इसमें जानकारी की आवश्यकता है और आपको वहां तक पहुंचने की जरूरत है।
थैंक यू मैम. नेट में अवेलेबल है, आप नेट से भी दे सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि ऑन हैंड ट्रेनिंग लें. जैसे हम लोग जबलपुर में प्रोवाइड करते हैं, साइट पे भी जाते हैं. ओके थैंक यू. ओके थैंक यू. सो प्रिवेंट डेफिशिएंसी, इंश्योर हेल्थ और ईट मशरूम. मुझे लगता है आज के लेक्चर के बाद जितने लोग जुड़े हुए हैं सब मशरूम एटलीस्ट वंस इन अ वीक तो खाएंगे, है ना? बिल्कुल खाएंगे. मैम एक क्वेश्चन मुझे पूछना था. जी जी. वो ये कि ऑनलाइन ट्रेनिंग दे सकती है आप मशरूम की बच्चों को? ऑनलाइन ट्रेनिंग एक्चुअली ऑन हैंड ट्रेनिंग भी अच्छी होती है. ऑनलाइन तो वीडियोस बहुत सारे नेट में हैं, बट क्या होता है कि जब तक आप हाथ से नहीं करें थोड़ा मुश्किल होता है. इसलिए फिर भी ऐसा कभी कुछ हुआ तो मैं देखती हूँ, करती हूँ. मैम यहाँ डॉक्टर राजेंद्र अपने यहाँ पर तो काफी बेनिफिशियल होगा हमारे बच्चों के लिए. हाँ वर्चुअल लैब विजिट बिल्कुल सही कह रहे हैं सर. वर्चुअल लैब विजिट अगर हम अपने बच्चों को करवा दें और आप थोड़ा इसमें हेल्प कर दें. मुझे मालूम है आप बहुत बिजी हैं. श्योर सर, जब भी पक्का? आप हाँ जी हाँ जी. चलिए ठीक. देखिए रिकॉर्डिंग है आपके बाद में मुकर मत जाइएगा. और मैडम डॉक्टर राजेंद्र सिंह सर यहाँ पर मौजूद है. उन्होंने कहा है कि आई लाइक द डिफरेंस ऑफ पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस मशरूम एंड आई रिक्वेस्ट और आप जो है कभी नेट पे देखें तो पिज्जा बर्गर हर चीज मिलती है. अच्छा. और मैडम शंकर मंडल आप पीछे देखेंगे मैंने कुछ प्रोडक्ट्स भी बनाए हुए हैं. अच्छा अच्छा दिखाइए एक प्रोडक्ट उठा के दिखाइए. एक प्रोडक्ट उठा के दिखाइए हाथ से. हमारा मोटापा कम करने वाली कोई दवा आई सी आपने बनाई हो? जैसे साल भर अवेलेबल यदि नहीं रहते हैं तो इस तरह के ड्राई मशरूम रख सकते हैं, जस्ट लाइक न्यूट्री नगेट है ना. आप गर्म पानी में बॉइल करें और इसको किसी भी वेजिटेबल में मिला लें. ये माइक्रो प्रोटीन मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये पूरा रिकमेंडेड है. ये माइक्रो आया है ऑयस्टर मशरूम से. ऑयस्टर मशरूम वेरी गुड. इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ अश्वगंधा लाइक चीजें और कुछ जो पोटेंशियल हर्ब्स उसको मिला के इम्यून बूस्टर के रूप में बनाया. जैसे हर कोई मशरूम को अवेलेबिलिटी नहीं होती तो क्या करें, तो ये सिंपल इसमें डोज लिखी हुई है. एक तो गवर्नमेंट ने तो अप्रूव कर दिया कोरोना को तो किया नहीं आपके साथ दवा को अप्रूव कर दिया कोरोनिल को तो अप्रूव किया नहीं आपकी दवाई को गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है. दवा के रूप में इसको नहीं कर रही मैं तो इम्यून बूस्टर के रूप में ना. मशरूम का ऑटोमेटिक सेल्फ इम्यून बूस्टर है ना. बट हम इसको यदि वो कर देते हैं फॉर्मुलेट कर देते हैं तो ये हमारे लिए अवेलेबिलिटी के लिए अच्छा है. साथ ही सर इस तरह के देखिए ये बिस्किट्स बनाए हुए हैं. अच्छा वेरी गुड. ये नूडल्स बनाए हुए हैं. ये सब हमारे लैब प्रोडक्ट्स हैं. ये इंक्रीज करने के लिए कि जैसे कुछ लोग को मार्केटिंग मिल जाता है रूरल एरिया उसमें है ट्रेनिंग ले लेते हैं. काफी लोग हैं जो कि करना चाहते हैं लेकिन उसके बाद उनको मार्केट की प्रॉब्लम आती है प्रोड्यूस तो आ जाता है. तो आप अच्छा. कुछ नहीं करिए बाय प्रोडक्ट्स बनाइए. ये तो आपको इजीली साल भर रख सकते हैं. लोग लेने में भी इंटरेस्टेड रहते हैं. अचार बनता है. ये पूरे हमारे सैंपल्स है अलग अलग मशरूम्स के जो हम लोग ड्यूरिंग सर्वे वगैरह लेते हैं. ये गाइनोडर्मा मशरूम है जो कि अच्छा बनती है. जी जी जी. तो मशरूम मतलब बहुत ही मिरेकल चीज है जो हमारे बीच में है. बस जरूरत है कि हम इसको अपनाएं और अभी इसकी शंकर मंडल सर बहुत अच्छे रिसर्चर हैं. उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि शुड वी ईट वाइट मशरूम एंड इफ यस हाउ टू आइडेंटिफाई टॉक्सिक एंड एडिबल वन. खाने योग्य मशरूम को कैसे पहचाने कोई भी खा ले? सर मैंने बताया ना वो की फैक्टर्स. यदि आप मशरूम को जैसे आपको पहचानना है तो सबसे पहले जब वो मशरूम को तोड़ते हैं तो उसमें किसी तरह का कोई सिक्रीशन नहीं निकलना चाहिए. फिर भी यदि हमने मशरूम का ले आया और उसके बाद हम थोड़ा साफ तो करते हैं हाथ हमारी हाथ की टचिंग से ही यदि उसका कलर चेंज होने लगा उसके फ्लैश का तो मतलब आपको समझना चाहिए खाने वाला मशरूम नहीं है उसका कलर ब्राउन ब्लूश.
और दूसरी बात है, हम जब भी मशरूम लाते हैं, एक तो जो मशरूम लाते हैं ना वो कल्टीवेट किए होते हैं, क्योंकि हम उनको बाजार में वो प्रोड्यूस बेचते हैं, तो फिर भी कई बार जैसे टोकरी इसमें बेचते हैं टर्मेटोमाइसिस मशरूम बहुत मिलते हैं, तो वो बहुत अच्छे मशरूम हैं, उनको हम लेबोरेटरी में उसका प्रोटोकॉल तैयार नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, तो वो मशरूम का आप देखेंगे ना, आप उसको तोड़ेंगे या छुएंगे या ला के रख लेंगे तो उसका ना कलर चेंज नहीं होता। अच्छा, तो एक आखिरी सवाल और बता दीजिए। हाँ जी, रोजाना कितने पैसे कमा लेती हैं आप मशरूम कल्टीवेशन से? तो हम भी शुरू करें। प्रॉफिटेबल क्रॉप है, यदि आप 10 रुपए लगाते हैं इसको एक बैग को बनाने में, एक 1000 रुपीज कमाते हैं, तो कोई भी 100% प्रॉफिटेबल क्रॉप नहीं है, बशर्ते आप इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग लें, क्योंकि यदि विदाउट ऑफ नॉलेज आप इसको स्टार्ट करते हैं तो कंटामिनेशन वगैरह की प्रॉब्लम होती है, तो इसको प्रॉपर सीख के आप शुरू करें। राजेंद्र सिंह सर, राजेंद्र सिंह सर आप मौजूद हैं यहाँ पर? राजेंद्र सिंह सर, डॉक्टर राजेंद्र सिंह सर नहीं है शायद। चलिए, तो और किसी को कुछ पूछना हो, जानना हो, वैसे काफी कुछ पूछ लिया। प्रीति मैम कुछ पूछना चाहती हैं आप? यस सर, मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ। हाँ, अच्छा अच्छा मुझे लगा आप शेयर पेश करना चाहती। नहीं सर, प्रीता मैम ने अभी जो क्वेश्चन किया था उसके अगेंस्ट में मैं ये आंसर देना चाहती हूँ। मैं 2010 में अपने कॉलेज में ये ट्रेनिंग करा चुकी हूँ मशरूम कल्टीवेशन की। यहाँ पर CSA में एक अलग पूरा बिल्डिंग बनी हुई है जिसमें मशरूम कल्टीवेशन किया जाता है और वहाँ पे ट्रेनिंग भी दी जाती है और वहाँ पर बैग्स प्रिपेयर्ड मिलते हैं। बैग की कॉस्ट 50 रुपीज टू 60 रुपीज है, जिसमें आप पूरे एक साल तक क्रॉपिंग ले सकते हैं मशरूम्स की। एक बैग से एक साल तक? हाँ, उन्होंने बताया कि इसमें अगर आप प्रॉपर इसको हैंडल करते हैं तो एक साल तक बड़ा बैग होता है। और इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो 21 दिन में, मैम लाइफ साइकिल 21 दिन में जब हम बैग फिल करते हैं तो 21 दिन में फर्स्ट क्रॉप देता है, उसके बाद मैक्सिमम सेकंड क्रॉप में थोड़ा बहुत आता है, थर्ड क्रॉप के बाद ये डिग्रेड होने लगता है, फिर हमको इस बैग को अलग करना पड़ता है, तो हम इसको एक साल तक नहीं रख सकते। नहीं तो उन्होंने जो बताया था कि उससे जो होता है वो सीजन बाय सीजन आता रहता है उसमें, उसको थोड़ा सा काफी बड़ा बैग है उनका, जो उनका प्रिपेयर्ड बैग है, और उसमें वो बताते हैं कि पहले आउटर वाली लेयर से आएगा, फिर उसके बाद उसको कुछ मिक्सअप करना होता है, फिर उसके थोड़े दिन बाद फिर से आ जाती है, फिर से आ जाती है, इस टाइप से उनका कुछ है उसमें। तो वो ट्रेनिंग देते हैं, उसकी 15 डेज की ट्रेनिंग है जिसमें वो फार्मर्स को, स्टूडेंट्स को और रिसर्चर्स को ट्रेनिंग देते हैं। यहाँ पर CSA चंद्रशेखर आजाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जी वहाँ। अच्छा, तो हाँ जी, और वहाँ पर जो इसका मशरूम का जो पाउडर आप बता रहे हैं वो लोग भी प्रोवाइड कराते हैं यहाँ पर, क्योंकि हम भी कानपुर में हैं और सुनीता मैम कानपुर में ही हैं, इसलिए मैं कानपुर का सेंटर उनको बताना चाह रही थी। हाँ, वो थैंक यू, जरूरी है। बहुत अच्छा मैम, ये जो मशरूम है इनको अपन को देश के कोने कोने में